इस बाइक का जो प्रॉब्लम हो रहा है, बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा है, पार्टी पैडल ले लेके आया है, तो किस लिए नहीं ले रहा है वो आज इस वीडियो के जरिए से देखने वाला हूँ। जो दोस्त कम सीख रहे हो दोस्त पूरा वीडियो देखिए, जिसके पास बाइक है वो दोस्त भी देखिए, आपका बाइक में भी इस तरह प्रॉब्लम आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट अभी देख रहा हूँ पेट्रोल है कि नहीं है, ये पेट्रोल तो है, उसके बावजूद इसका जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो वो देखना है। देखिए इस बाइक का जो बैटरी वो सही नहीं है, देखिए हॉर्न भी नहीं चल रहा है, देखिए इग्निशन स्विच ऑन है, नीडल लाइट भी नहीं चल रहा है, तो फर्स्ट कारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देख लेना है। आइए अभी मेरे को देख लेना है ये जो स्पार्क प्लग इधर कारण आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देख लेना है। तो ये खोल लेता हूँ, देखिए ये खोलने का काम होने वाला है, हो गया मारो। देखिए इसमें थोड़ा भी करंट तो नहीं आ रहा है और इग्निशन स्विच भी ऑन है, देखिए ये ऑन है। तो अभी कैसे कैसे ये चेक करना चाहिए वो दिखाने वाला हूँ। देखिए अभी ये सीट को ओपन कर लेता हूँ, ये सीट तो ओपन करने का काम हो गया। अभी मेरे को चेक करना है ये बैटरी नया बैटरी एक डाल के बाइक स्टार्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है वो देखना है। उसके बाद मेरे को देखना है ये जो जितना सारा फ्यूज़ है वो फ्यूज़ चेक करना है। उसके बाद चेक करना है ये जो आरआर यूनिट ये सही होना चाहिए, बैटरी ख़राब होने से ये आरआर यूनिट सही हो तो बाइक स्टार्ट लेता है, और आरआर यूनिट ख़राब है उस टाइम बैटरी में जितना चार्ज रहेगा उतना टाइम ही बाइक चलेगा। तो इसमें तो थोड़ा भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लाइट भी नहीं जल रहा है, तो फर्स्ट एक नया बैटरी डाल के इसका जो स्टार्टिंग का इशू ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना है। उसके बाद मेरे को देखना है ये आरआर यूनिट से जो आउटपुट करंट बाहर आता है बैटरी चार्ज करने के लिए वो बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। ये फर्स्ट एक बैटरी डाल के इसका जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम वो देखता हूँ। देखिए ये खोलने का काम अभी होने वाला है। देखिए ये खुलने का काम तो हो गया, अभी ये बाहर से चेक होगा। देखिए कैसे ये जो बैटरी, ये बैटरी इधर कनेक्शन टच करता हूँ, टच करने के बाद स्टार्ट ले रहे कि नहीं ले रहे वो देखता हूँ। देखिए ये न्यूट्रल लाइट भी आ गया मारो, देखिए ये स्टार्ट भी हो रहा है, तो इसका मतलब इसका जो आरआर यूनिट वो ख़राब है, ये दोनों की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा है। और आरआर यूनिट ख़राब होने से ये बाइक बैटरी में जितना चार्ज रहेगा उतना टाइम चलेगा। तो अभी मेरे को आरआर यूनिट भी चेक करना है, तो ये साइड भी खोल लेता हूँ, पीछे वाला कॉल चार स्क्रू है और चार स्क्रू को बाहर कर लेना है, तो ये बाहर कर लेता हूँ। सी डी आई सही है, मैग्नेट जो पिकअप कॉइल वो भी सही है, उसके बावजूद स्टार्ट नहीं ले रहे तो आपको ये बैटरी और जो आर आर यूनिट वो चेक करना है। तो देखिए मैंने बैटरी डाला है, उस टाइम स्टार्ट तो लिया है, तभी ये टोटली खुलने का काम हो गया। देखिए जो आरआर यूनिट, ये आरआर यूनिट ये ख़राब होने से स्टार्ट नहीं लेता है, और बैटरी डाला उस टाइम भी स्टार्ट लिया है। अभी ये आरआर यूनिट मेरे को चेक करना है, यहाँ से जो आउटपुट कनेक्शन वो कितना आ रहा है, तो रेड वायर के जरिए से जो आउटपुट कनेक्शन वो बैटरी तक जाता है बैटरी चार्ज करने के लिए, और थोड़ा एक्सलेट करने से इसमें 2.50 आना चाहिए और थोड़ा ऊपर भी आना चाहिए, तो वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देखना है। देखिए नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये जो बाइक का जो आरआर यूनिट ये भी खराब है, इसके वजह से बाइक बैटरी में चार्ज थोड़ा भी नहीं है और बाइक स्टार्ट भी नहीं ले रहा है। तो अभी ये आरआर यूनिट को चेंज करना है, और चेंज करके जो कितना रीडिंग आ रहा है वो भी दिखाना है। तो आइए दूसरा बाइक को खोल के अभी डालता हूँ, डालने के बाद इसमें कितना रीडिंग आ रहा है वो दिखाता हूँ। अभी ये जो आरआर यूनिट दूसरा बाइक का अभी ये डाल के चेक कर लेता हूँ।
आपको देखने के लिए। मैंने तो समझ चुका हूँ इस बैग का जो प्रॉब्लम हो रहा है ये RR यूनिट से नहीं है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी ये टाइट कर लेता हूँ। टाइट करने के बाद अभी स्टार्ट देखे फिर से चेक कर लेना है इसमें कितना रीडिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये दूसरा बैग का जो RR यूनिट वो डाला हूँ और डालने के बाद इसमें कितना रीडिंग आ रहा है वो देखिए। थोड़ा एक्सलेट करो देखिए, इसका मतलब ये जो RR यूनिट ऐसे ही है, मैंने तो सही डाला हूँ और इस बाइक का जो RR यूनिट था वो ख़राब हो चुका है, इसके वजह से बाइक स्टार्ट नहीं ले रहा था। और बैटरी ख़राब होने से ये सही होना चाहिए और ये ख़राब होने से बैटरी को भी थोड़ा सही होना चाहिए, बैटरी में चार्ज रहना चाहिए नहीं तो बाइक स्टार्ट नहीं लेगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो के जरिए से जितना जानकारी बताने की कोशिश की वो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और आपको ये CDI कैसे चेक करना है, मैग्नेट पिकअप कॉइल कैसे चेक करना है, हीट कॉइल कैसे चेक करना है वो जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक भी डालने वाला हूँ, आपको उधर जाके देख सकते हो। तो आज इतना ही, बस ओके बाय।